हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए तीन मज़ेदार घातक ऐप लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो पहला ऐप जो है उसका नाम है नेटगार्ड। तो इस ऐप का काम बेसिकली ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऐप में इंटरनेट एक्सेस दे सकते हो या फिर एक्सेस नहीं दे सकते। अगर अक्सर ऐसा होता है, आप गेम खेल रहे हो या फिर पबजी, फ्री फायर कुछ भी खेल रहे हो, तो नोटिफिकेशन आता है बहुत सारे दूसरे ऐप में। तो उस नोटिफिकेशन का झंझट बार बार तो आप हटा नहीं सकते, DND भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप पर्टिकुलर आपका फ्री फायर या फिर पबजी में इंटरनेट एक्सेस दे के सारी ऐप को एक्सेस डिनाइड कर देना। तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ, पहले मैं क्रोम में जाके आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, इंटरनेट ब्राउज हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेटगार्ड ओपन करके सर्च में जाके क्रोम सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं इसमें देखो दो ऑप्शन है, एक वाईफाई का एक टावर का। तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए वाईफाई को डिसेबल कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिम नेट यूज़ करते हो तो आप सिम को दोनों ही कर सकते हो। तो उसके बाद ऊपर में जो है वो इनेबल कर देना। उसके बाद आप फिर से क्रोम में आ जाना, और क्रोम में आके फिर से आप सर्च करके देखो, यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं चलेगा, मतलब इसमें कोई इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। तो देख सकते हो मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो ये लोड ले रहा है अभी अभी। तो देखो कुछ देर बाद यहाँ पे मैं इंटरनेट एक्सेस दे देता हूँ, तो फिर से यहाँ पे नेट ब्राउज होना चालू हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे क्रोम में जाता हूँ, नेटगार्ड में जाता हूँ, उसके बाद क्रोम सर्च करके फिर से इंटरनेट एक्सेस दे देता हूँ। उसके बाद एक बार रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस आ गया। तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए यूट्यूब पे ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये फिर देखो यूट्यूब में वीडियो शो हो रहा है। उसके बाद नेटगार्ड में जाके मैं यूट्यूब को इंटरनेट डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद आप यूट्यूब खोल के देखो, यहाँ पे लोड ही नहीं होगा, कोई भी वीडियो का ऑप्शन ही नहीं आएगा, देख पा रहे हो आप। तो इस ऐप को यूज़ कर करके आप उस वाले नोटिफिकेशन को जो गेम खेलने के वक्त तकलीफ देता है उसको आप हटा सकते हो। तो चलिए दूसरे ऐप के तरफ जाते हैं, दूसरे ऐप में जो है वो बढ़िया है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, अगर आप कोई फ़ोटो एडिट ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई ऐसा ऐप यूज़ कर रहे हो जिसमें बहुत सारे ऐड शो होता है, तो इस ऐड को आप कैसे रिमूव कर सकते हो या फिर इस ऐड को आप कैसे निकल सकते हो अपनी ऐप से बेझिझक। तो आज दूसरा जो ऐप है उस ऐप का काम ही है ये करना कि किसी भी ऐप में जो ऐड है उस ऐड को डिसेबल करना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखो मैं एक गेम खेल रहा हूँ, इस गेम में देखो ऐड शो होता है बहुत सारे। मैं गेम खेलते खेलते बहुत सारे ऐड आते हैं तो मैं परेशान होता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे एक गेम खेल रहा हूँ, उसके बाद एक ऐड आएगा, देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऐड आ गया। तो इस ऐड को अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो देखो उसके लिए मेरा जो ऐप है उसका नाम है एडगार्ड। उस एडगार्ड ऐप को आप ओपन करो, ओपन करने के बाद वहाँ पे एनेबल कर दो। एनेबल करने के बाद नीचे देखो टर्न ऑन करके एक ऑप्शन आता है, उसको टर्न ऑन कर दो। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आप इंस्टॉल सर्टिफिकेट में क्लिक कर दो, उसके बाद बैक कर दो, अपना वो काम हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक्टिव होने के बाद आप फिर से जो आपका ऐप है या फिर कोई भी गेम है जिसमें ऐड आते हैं उस ऐप को फिर से ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो वहाँ पे कोई भी ऐड नहीं शो होगा, जैसे कि मैं अपना गेम ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो कोई भी ऐड नहीं होता। जैसे कि मैं स्किप ऐड में क्लिक करता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं आएगा। सो स्किप में क्लिक करा, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है नो ऐड, नो नॉट अवेलेबल। सारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। तीसरा और लास्ट जो ऐप है उसका नाम है स्क्रीन टेक्स्ट कॉपी। अक्सर ऐसा होता है किसी किसी ऐप, किसी किसी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे कुछ टेक्स आपको बहुत पसंद आता है, मतलब कुछ टेक्स को आप कॉपी करना चाहते हो, वहाँ से आप कॉपी नहीं कर सकते हो। तो इस ऐप के मदद से आप कहीं भी जो टेक्स है वहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं हेलो
और योर ऑर्डर, मतलब कुछ भी आप कॉपी कर सकते हो। उसके लिए इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो स्विच है उसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन देना चाहिए पड़ेगा, उसको आप ऑन कर देना। उसके बाद मोड एक्सेसिबिलिटी जाके वहाँ पे स्क्रीन टेक्स्ट कॉपी को अलाउ कर देना। उसके बाद देखो यहाँ पे छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप आ गया, तो अब जहाँ पे जाओ उस पॉपअप में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, आइकॉन है उस पर क्लिक करो। अब देखो लाल कलर जैसा एक बॉक्स 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 आ गया। अब जैसे कुछ भी लाल कलर का बॉक्स में क्लिक करोगे तो उसको आप कॉपी कर पाओगे। जैसे कि तभी देखो यहाँ पे मैं हेलो रिंटू योर ऑर्डर सेलेक्ट किया, उसके बाद देखो कॉपी कर दिया। उसके बाद आपको बैक करना है, और बैक करने के बाद 3 डॉट पे जाके एग्जिट करो तो उस ऐप को एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कॉपी कर रहे हो तो सारे के सारे देखो कॉपी हो गया। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उस दोस्तों को भी पता चले इस ऐप के बारे में। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।